हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज है ट्यूसडे का दिन। लास्ट व्लॉग आपने देख ही लिया होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसका मैंने व्लॉग बनाया था। इतना कुछ खास नहीं था उस दिन, सिर्फ मैच में निकल गया, थोड़ा घूमने में निकल गया, नॉर्मल सा व्लॉग मैंने अपलोड किया था। तो आज जैसे मैंने कहा था, कुछ कॉन्टेंट के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, और मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। दो तीन दिन से ना बाहर वेदर बहुत प्यारा हो चुका है, मौसम बहुत प्यारा हो चुका है। कल पूरा बादल छाए हुए थे, थोड़ी सी बारिश हुई है और आज सुबह से बारिश हो रही है। वेदर बहुत 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 प्यारा हो चुका है। अभी बाहर बारिश हो रही है, मैं अभी आपको ले चलता हूँ बाहर। उससे पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद चलते हैं छत पे या फिर बालकनी में बारिश के मज़े लेते हैं, क्योंकि वेदर इतना प्यारा हो चुका है। मुझे, मैं जो घूम के आया हूँ ना, स्पॉट्स, वो स्पॉट्स मुझे याद आ रहे हैं। ये वेदर को देख, कैसा वेदर हो चुका है, और मुझे कौन से वो स्पॉट्स, जो प्लेसेस मैं घूम के आया हूँ, वो कौन से मुझे याद आ रहे हैं, वो भी मैं आपको ऊपर ही बताता हूँ। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, क्या बात है, मतलब सर्दियों में बारिश हो रही है। कल भी मौसम ऐसे ही था, थोड़ी सी बारिश होके गई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो क्या प्यारी बारिश हो रही है। बहुत देर से बारिश हो रही है, लगभग एक घंटे से, और रोड सारा भीग चुका है नीचे, और पानी रुकना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप। अल्लाहुम्म सय्यिबना फिया, शाम तक या कल तक ऐसी लगातार बारिश होगी ना तो बहुत अच्छा होगा। आसपास के जितने भी तालाब वगैरह है ना, सब भर जाएंगे। मेरी गाड़ी भीग रही है, पता नहीं अभी उसके जो क्या कहते हैं, जहाँ पे पेट्रोल डालते हैं ना, वहाँ से लीकेज है, थोड़ा चले जाएगा पानी अंदर। खैर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी अभी छत पे आया हूँ, देखो बादल क्या प्यारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ऊटी में है हम लोग अभी, मालूम है, ऐसे ही रहता है बादल वहाँ पे, ऊटी में, कोडाईकनाल में, मुन्नार में, मनाली में, जहाँ जहाँ मैं घूम के आया हूँ बादल ऐसे ही आता है, मालूम है, ऐसे ही दिखता है नज़ारा पूरा बारिश होते हुए। और आज मदनपल्ली में ऐसे ही वेदर हो चुका है, ऊटी वाला वेदर हो चुका है, सुभान अल्लाह। वो तालाब का व्यू के साथ जो बादल नज़र आ रहे हैं, मतलब सामने के जितने भी पहाड़ हैं ना, सब कवर हो चुके हैं। वो सामने का जो पहाड़ है पूरा बादल से ढक चुका है। वो देखिए जो बसनी गुंडा है, वो भी देखो बादल से ढक चुका है। हॉर्सलीज ना, बहुत प्यारा वेदर होगा अभी इस वक्त, क्योंकि बादलों से पूरा ढक चुका होगा ना, और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। देखो 11:40 कुछ हो रहा है टाइम अभी। अभी थोड़ा सा रुका है बारिश, वो तरफ गया है, मतलब वो साइड पे जा चुका है। देखो हैवी रेन, हैवी क्लाउड्स वो साइड नज़र आ रहे हैं, और इस साइड से आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, देखो क्लाउड्स मूव हो रहे हैं, वो साइड जा रहा है बारिश। बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है, बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सेम जैसे मैंने अभी कहा था आप लोगों को, ऊटी जैसा वेदर हो चुका है, ऊटी जैसा, ऊटी में ऐसे ही रहता है वेदर। देखो पानी रुक चुका है यहाँ पे, थोड़ी बारिश में ही जा रहा है नीचे की तरफ। भीग चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत ही तेज बारिश हो रही है दोबारा। 11:30 को हो रही थी, एक घंटा हुई, अभी दोबारा 12:30 हो रहा है टाइम, 12:40 हो रहा है अभी। अभी भी माशाल्लाह बहुत तेज बारिश हो रही है। छत पे जाके आ चुका हूँ मैं, थोड़ी देर था छत पे, नीचे रूम में बैठा हुआ हूँ। वेदर जैसे मैंने कहा है ना, मैं कितनी बार भी कहूँ कम है, इतना प्यारा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग भीग रहे हैं, जब बारिश होती है ना पूरा रोड खाली हो जाता है। वो लड़का मस्त बारिश में भीगते हुए हाथें फैलाते हुए आ रहा था अभी।
फर्क ही नहीं है उसको कि बारिश पड़ रही है। मस्त क्या टशन से चल रहा है देखो। ओए ओए ही इज एंजॉयिंग द रेन। वो लौंडा वो लड़का एंजॉय कर रहा है रेन का देखो। गली वाला लड़का ये पता नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ना छत पे एक ही दिन या फिर आज पूरा दिन बारिश होगी ना आसपास के जितने भी तालाब हैं डैम हैं सब भर जाएंगे। फिर थोड़ा घूमने फिरने में मज़ा आएगा। यहाँ पे एक निमनपल्ली डैम बोल के है पूरा सूख चुका है वो। मैं सोचा था प्लान बनाया था वहाँ जाने का लेकिन मतलब जब पानी नहीं रहता ना तो वहाँ जाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और एक और आसपास में बहुत सारे तालाब अगर बारिश हो करके भर जाएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा देखने में भी घूमने में भी और आपको दिखाने में भी। तो अभी जाते हैं थोड़ी देर बचते हैं थोड़ा सा काम है वो निपटाते हैं फिर बाहर घूम कर आते हैं। अगर बारिश थोड़ी रुकी तो दिखाते हैं आपको कैसा भर चुका है। आप शाम के बज रहे हैं 4:30 लंच हो चुका है मेरा और बारिश रुकी नहीं है मतलब थोड़ी देर के लिए रुकी थी 1.5 घंटा लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी था खाना पीना वगैरह खा रहा था और अभी दोबारा शुरू हुई है। माशाल्लाह क्या मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं मालूम है। ये देखो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं सब रुक गए हैं कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह किसी के पास छाता नहीं है। देखो कैसे भीग के आ रहे हैं लड़कियां वहां पे कॉलेजेस के। अभी कॉलेज जाने का टाइम हुआ है तो सभी लोग निकले हैं अपने अपने घर जाने के लिए और बारिश सुभान अल्लाह क्या प्यारी हो रही है बहुत ही प्यारी हो रही है। क्या गौर से देख रही है मालूम है बच्ची यहाँ पे बारिश को पड़ रही है तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मेरी बेटी यहाँ बालकनी में बैठे बैठे बारिश के नज़ारे को देख रही है। बेचारे स्कूल के बच्चे इनका बस का भी टाइम हो जाता है मालूम है जो बस में जाने वाले रहते हैं उन लोग। एक छाते पे दो लोग जा रहे हैं थोड़ी बारिश रुकेगी ना तो एक चक्कर लगा कर आते हैं मतलब गली का मतलब गलियों में घूम कर आते हैं। सुनने में आया है जो RTC बस स्टॉप है ना वहाँ पे थोड़ा सा नाला जा रहा है। ओए होए सुभान अल्लाह क्या बारिश हो रही है। होना भी चाहिए क्योंकि इस साल सही से बारिश हुई ही नहीं है सही से। थोड़ा सा ना अभी बारिश रुकी है तो क्या कर रहा है राउंड लगा कर आ गया। ट्रैफिक देखो ब्लॉक हो चुका है रोड यहाँ पर तो बस एक जगह पर फंस चुका है इसीलिए ट्रैफिक है यहाँ पर। ना कोई सिस्टम है ना कोई सिग्नल है मतलब ऐसे ट्रैफिक होना ही है ना। चलो अभी अराउंड चक्कर लगाते हैं ट्रैफिक से निकल चुके हैं। टैंक बंड के ऊपर से होते हुए ना RTC बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। मदनापल्ली का टैंक बंड है ये। हो चुकी है और वेदर थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो चुका है। तालाब के मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आया हूँ वो मस्जिद हमारे घर के पास वाली। दोबारा शुरू हो चुकी है बारिश। ओए ओए दोबारा शुरू हुई है बारिश। मैं छाता लाना भूल गया। शिट कैसे भूल गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं छत पे छाता लेके गया था ना तो भूल गया मैं लाना। देखो कैसे भीग रहा हूँ मैं छाता नहीं लाने की वजह से। दोबारा शुरू हो चुका है बारिश है ना। घर पहुँचने से पहले भीग जाऊँगा ऐसा लग रहा हूँ मैं या फिर कहीं रुका लेना पड़ेगा। कंटेंट के चक्कर में घूमने आया मैं देखे तो दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है। RTC बस स्टॉप के पास आ चुके हैं। ये
ये पुलिस स्टेशन है, कैमरा पहुंचने के लिए रुकाया था। बारिश सच में दोबारा जोर से शुरू हो गई है, मालूम है। ब्लैक पैंट पहन के आया हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि पैंट भीग रही है मेरी, कहाँ आ रहा है भाई लेफ्ट में, सॉरी मैं गलत जा रहा हूँ। वैसे चश्मे पहन के चलाना ना तो बारिश में नहीं होता है। ओए 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 ओए, जोर से शुरू हो चुकी है, रुकाना पड़ेगा रुकाना पड़ेगा। पक्का मिली ना, मैं रुका लिया हूँ यहाँ पे, बारिश जोर से हो रही है, भीग गया हूँ 50%। अभी और थोड़ा आगे जाता ना तो मैं पूरी तरीके से भीग जाता, इसीलिए रुका लिया हूँ यहाँ बिग बाजार के ऑपोजिट में। ये रहा बिग बाजार और हो रही है बारिश। यही वो नाला है जो बहता है, ज़्यादा हो जाता है ना पानी तो एकदम हैवी बहता है यहाँ पे पानी, ये वाले नाले से। गाड़ी की सीट पोंछ के लाया था मैं, वापस दोबारा भीग गई है। पता नहीं अभी गाड़ी के अंदर कपड़ा है नहीं है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, होना चाहिए होना चाहिए। यस यस यस। और ये देखो मैं चश्मे को ऊपर कर दिया हूँ क्योंकि पूरा इसमें फॉग आ चुका है और भीग चुका है चश्मा पूरा, इसीलिए ऊपर रख दिया मैं क्योंकि नज़र नहीं आता, दूर का मुझे नज़र नहीं आता इसीलिए मैं चश्मा पहना। यहाँ पे है मुर्गा, ये देखो भाई भीग रहा है यार, बांध के रखे हैं इसको यहाँ पे, किसी का शॉप है ये, भीग रहा है ये, इसको छुपने की भी जगह नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं छू भी नहीं सकता उसको, मतलब छाँव ऐसा क्या कहते हैं उसको, कहीं ऐसा अंदर भी नहीं रख सकता। खैर जान वाले को बोल दिया है कि उसको अंदर लेके रख दे, अंदर लेके जाएगा। तो मैंने कहा कि अंदर लेके रख ले तेरा है तो उसने अंदर रख लिया, क्योंकि वो भी तो मखलूक है अल्लाह की, उसको भी ज़्यादा भीगने से तकलीफ़ होती है। थोड़ा बहुत संभाल लेगा लेकिन ज़्यादा नहीं संभाल पाएगा ना, जितना हमारे से हो सकता है उतना करना चाहिए, नेकी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो कितना भीग चुका हूँ मैं अभी, वहाँ पे गाड़ी के पास गया था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा ना कि मैं छाता लाना भूल गया हूँ, लेकिन ये अब्बा की गाड़ी है, अब्बा की गाड़ी में छाता था, वो सिर्फ मैं निकाला और मैं भीग गया। तो अभी मोबाइल को अंदर रखता हूँ, छाता ओपन करता हूँ, सीधा पहुँचता हूँ घर पे। कुछ ज़्यादा ही बारिश शुरू हो चुकी है, मालूम है कुछ ज़्यादा ही बारिश शुरू हो चुकी है, तो यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा है छाता ओपन करते हैं और मोबाइल को रखते हैं अंदर, हम चलते हैं गाड़ी चलाते हुए आराम आराम से। दरिया बन चुका है यहाँ पे, मुझे भी अभी इसी दरिया में से जाना पड़ेगा। ये आरटीसी बस स्टॉप के पास है, देखो कितना पानी जम चुका है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है इस वजह से इतना पानी जम चुका है। चलो अभी चलते हैं घर पे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते जा रही है। घर पे आ चुका हूँ और बाल पूरे ना मेरे भीग चुके हैं वहाँ से यहाँ आने में, मतलब छाता लेके आया हूँ उसमें नहीं भीगा हूँ, उससे पहले वहाँ पे ठहरा था ना वहाँ भीग गया मैं सिर्फ एक मिनट की बारिश में। चेंज कर लेते हैं फटाफट, फिर देखते हैं क्या करना है क्योंकि बारिश थोड़ी देर आ रही है थोड़ी देर जा रही है।